झारखंड में 24 जिला है, 2400 जिला से महाधिवेशन में युवा खासकर 18 से 25 30 ये हम नहीं कहेंगे केवल युवा, सभी महिलाएं भी बच्चे भी बुजुर्ग भी सब यहां पर, यहां तक कि राजनीतिक अखाड़ा से जुड़े हुए प्रतिनिधि भी यहां पहुंचे हुए हैं। आज युवा एक आए हुए हैं बोकारो से, इनसे हमारी बात होगी। क्या नाम है दादा आपका? सागर कुमार महतो, हम बोकारो से आए हुए हैं, दिवर्ता बस्ती से। दिवर्ता बस्ती से क्या तकलीफ है यहां पर आने के पीछे कि आज आए हैं बड़ा उम्मीद के साथ? हम लोग का यहाँ मतलब जो शिक्षा नीति है वो हम लोग का मतलब झारखंड सरकार 60-40 जो नियम नीति लागू किया है वो हम लोग को कम से कम झारखंडी होने के नाते हम लोग कम से कम 90% देना चाहिए, हम लोग 90% नहीं दे रहे हैं ना, इसीलिए हम लोग का थोड़ा और 60-40 नहीं चलते होगी। 60-40 तो एकदम नहीं चलेगा, हम लोग जितना हो सके उतना विरोध करेंगे जितना हद तक हो सके। अच्छा, इसके पीछे किसको जिम्मेवार दे रहे हैं? सरकार आज तक जितना आया कहीं ना कहीं उनका मनसा साफ नहीं था क्या? नहीं, सरकार जितना आया एक को मनसा साफ नहीं था, इसीलिए हम लोग जयराम महतो को सपोर्ट करने के लिए यहाँ हम लोग आज उपस्थित हुए हैं। क्या उम्मीद है आने वाला 2024 में? एकदम राजनीति का अखाड़ा जो है पहले वाला उखाड़ देना है क्या? एकदम उखाड़ देना है, जितना सरकार है वोट देख लिया, अब यही सरकार को हम लोग अपना देंगे वोट, जितना हो सके उतना वोट देंगे। चलिए, सागर का एक बहुत बड़ा उम्मीद है अपनी युवा स्थिति से, कहना है इनका कहना है कि अब बहुत बार देखी आपकी बारी, अब हमारी बारी, अब इनकी सरकार, इनकी अपनी सरकार, इनके युवा की सरकार और वैसे व्यक्तियों की सरकार जो पढ़ लिख कर झारखंड में आज भी बेरोजगारी का तंज झेल रहे हैं। झारखंड जी, सागर जी क्या कहेंगे, क्या पूरे झारखंडी को क्या संदेश देंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आज पूरा झारखंड से लोग आए हुए हैं, तो जितना हो सके उतना आप लोग जहाँ भी जहाँ से हो सके वहाँ से आइए और जयराम महतो को सपोर्ट कीजिए जितना हो सके, हम लोग तो आए हैं सपोर्ट करने के लिए। हर युवा की एक ही पुकार, जयराम महतो की अवधि सरकार, यही है ना? ये हाँ एकदम। चलिए धन्यवाद सागर जी, मैं तो एक ही कोशिश करूँगा कि जो आपकी इच्छा है आने वाले समय में 2024 में सामने धरातल पर दिख जाएगा, तब तक के लिए जय हिंद।